तो वहीं यूपी के ग्रेटर नोएडा में कार में आग लगी, जंगल में थू थू चलती रही फॉर्चुनर कार, अंदर प्रॉपर्टी डीलर की लाश भी मिली है। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रही है। यूपी के ग्रेटर नोएडा में कार में आग लगी है, जंगल में धू धू चलती रही फॉर्चुनर कार, पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। ऐसे में देखना होगा कि आग लगने की वजह क्या रही है और जब पुलिस अपनी जांच आगे बढ़ाएगी तब देखना होगा क्या कुछ चीजें सामने आती हैं। तो यूपी के ग्रेटर नोएडा में कार में आग लगी है, जंगल में थू थू कर चलती रही फॉर्च्यूनर कार, अंदर प्रॉपर्टी डीलर की लाश मिली है, पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रही हैं, तस्वीरें उसी कार की है जहां आग लगी थी और उसके बाद अंदर प्रॉपर्टी डीलर की लाश भी मिली है, पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और जांच भी शुरू कर दी है। अवगत कराना है कि बीती रात थाना दादरी क्षेत्र के लगना नैन चौक के पास में एक फॉर्च्यूनर कार जली हुई अवस्था में मिली थी। तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मौके पर पहुंच करके वहां फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया था। कार के अंदर एक व्यक्ति की जली हुई अवस्था में बॉडी मिली थी, जिसकी पहचान संजय यादव निवासी नेहरू नगर गाजियाबाद के रूप में हुई थी। परिजनों से पूछताछ से पता चला था कि अपने दो मित्रों के साथ निकला था और इनका अपने मित्रों से कुछ ज्वेलरी के लिए लेन का विवाद था। इनके दोनों मित्रों को हिरासत में ले लिया गया है। परिजनों से तहरीर प्राप्त करके इसमें समस्त पहलुओं की जांच की जा रही है तथा अग्रिम विधि कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शिव त्यागिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिव, आग लगने का मामला सामने आया है, कार में आग लगी और अंदर लाश भी बरामद की गई है, पूरी जानकारी विस्तार से बताइएगा। देखिए, ग्रेटर नोएडा के दादरी इलाका पड़ता है, जहाँ पे नंगला इलाका है, वहाँ पे देर रात एक फॉर्च्यूनर गाड़ी में आग लगने का मामला सामने आया था। स्थानीय लोगों के द्वारा यहाँ पे पुलिस को सूचना दी गई। जब इसकी आग बुझाया गया तो उसमें एक व्यक्ति जो कि गाजियाबाद का रहने वाला, जिसकी जो पहचान है संजय यादव के रूप में हुई है, तो ये प्रॉपर्टी का काम करता है और अपने दो दोस्तों के साथ कल शाम को साइट के लिए निकला था। उसी के बाद यहाँ पे जो है उसका गाड़ी के अंदर जला हुआ शव बरामद हुआ है। जो दोनों दोस्त थे उनको यहाँ पे पुलिस ने हिरासत में लिया है और फॉरेंसिक की टीम के द्वारा यहाँ पे जब जांच पड़ताल की गई तो शुरुआती प्रथम दृष्टया के ऊपर पेट्रोल डाला गया, जिसके बाद जो संजय यादव था उसको यहाँ पे गाड़ी के अंदर ही उसको जलाया गया है। ज्वेलरी के विवाद को लेकर दो मित्रों के द्वारा ये पूरी घटना को शुरुआती तौर पे जो पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि यहाँ पे हिरासत में लिया गया, उनसे पूछताछ की जा रही है आखिर पीछे का क्या विवाद है। तमाम जगहों पे सीसीटीवी जो कैमरा है, क्योंकि गाजियाबाद से जब दादरी की तरफ को चले हैं तो तमाम टोल जो पड़े उन पे भी यहाँ पे उन सीसीटीवी कैमरा को खंगाला जा रहा है, लेकिन प्रथम दृष्टया आपसी विवाद को लेकर किसी चीज जो ज्वेलरी का विवाद था उसको लेकर ये हत्या की गई है। फिलहाल तमाम पुलिस पे पोस्टमार्टम शव को भेज दिया और ऐसे में जब पुलिस जांच करेगी तब कौन कौन सी चीजें सामने आती हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।